जय जय माता सरस्वती मोए लगी तुम्हारी आस, लाज रखो मुझ दीन की माँ रहो हमारे पास। तो दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नमाशीष। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज राठौर कैसेट के सौजन्य से ये कहानियाँ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बेटियाँ क्यों पराई हैं, तो एक छोटा सा सवाल है आम जनता के लिए, सभी भाइयों से, सभी बहनों से और सभी माताओं से एक छोटा सा सवाल है, आखिर बेटियाँ क्यों पराई हैं। तो आइए देखते हैं, एक लड़की अपनी माँ से सवाल कर बैठी एक दिन और पूछने लगी कि मुझे माँ से गिला। थोड़ी समझने की कोशिश करें, थोड़ा उर्दू का अल्फाज है इसमें, माँ से गिला यानी हमें माँ से कष्ट है, माँ से दुख है इस बात का। मुझे माँ से गिला, मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों से सवाल करती है कि माँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ये घर मेरा था, भाई मेरा था, परिवार मेरा था, ये बंगला मेरा था, गाड़ी मेरी थी, लेकिन शादी होने के बाद ये सब क्यों हो गया माँ, क्यों हो गया। खेली कूदी ने जिसे आंगन में, वो भी अपना आखिर वो भी घर पराया लगने लगा, ऐसा क्यों है, क्यों है माँ। खेली कूदी में जिसे आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, अपना पराया सा लागे, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, भक्तों।
देखते हैं कि लड़की सवाल करती है अपनी माँ से कि आखिर बेटियां क्यों पराई हैं, तो क्यों पराई हैं और कैसे पराई हैं, तो आइए देखते हैं इस कहानी की ओर। एक बड़ा सीमित परिवार था, जिस परिवार में माँ, पिता, एक भाई और एक बहन, मात्र चार ही प्राणी थे। भक्तों, हुआ ऐसा, अरे था सीमित एक परिवार, कि था सीमित एक परिवार, थे पिता और महतारी। सवाल है इस बात का कि बेटियां क्यों पराई हैं, तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं आखिर बेटियां क्यों पराई हैं। एक सीमित परिवार था, थे पिता और महतारी, एक बेटा एक सुकुमारी, थे पिता और महतारी, एक बेटा एक सुकुमारी, एक बहन, पिता और एक माँ, चार प्राणी थे। बहन बड़ी थी, भाई छोटा था। नतीजा ये हुआ, सुबह घड़ी भवन में आई बिटिया की भई सगाई, परिणाम पिता का परिवार छूट गया। उसके बाद फिर भैया की भामर रारी, सब मगन भय नर नारी, यानी बहन की शादी हो गई। उसके बाद
भैया की भामर ढारी, सब मगन भय नर नारी, आगे कहीं ब्रजेश कुमार की वो पिता और महतारी। यानी पहले तो बहन की शादी हो गई और बहन पालकी में बैठ के ससुराल में चली जाती है, उसके बाद में भाई की शादी हुई क्योंकि भाई छोटा था बहन बड़ी थी। अंत में दोस्तों हुआ ऐसा, बहन जब ससुराल में आई है तो बहन आदत की बड़ी भोली भाली थी और ससुराल के लोग भी बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे विचार थे सबके। वो थी आदत की भली अकेली लली मगन यति मन में, और संपन्न सभी परिवार जे जो मगन रहे यागन में। सभी परिवार रे के खुश रहती आंगन में। अच्छा परिवार था ससुराल का, बहन बड़े आनंद के साथ रहने लगी है। है सास ससुर को प्यार सुनो नर नार न चिंता मन में, आए खुश रहती वो बहन अरे आंगन में। ये जा रहे हैं आखिर बेटियां क्यों पराई हैं। जब ससुराल में बहन पहुंच जाती है तो जितने भी परिवार के लोग थे उसका बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। सास ससुर पति देवर ननद जो कुछ है, सीमित परिवार था और सज्जन परिवार था, सब लोग बड़े मगन हैं। लेकिन जब बहन की शादी हो जाती है उसके बाद में, ओ तो शादी हुई के भैया की जब दुल्हन घर में आई, भाबज को आबत देख के बहना ने खुशी मनाई, महाराज खुशी में सबे गाँव कछु बीत, पर लीला या परंपर समझ ना आई हर की नीत। मीरन होनी है बलवान समय को शंकर भारी, भैया होनी है बलवान समय को चक्कर भारी है। मेरा मतलब है कि बहन की शादी हो जाती है उसके बाद में भाई की शादी हुई, और जब भाई की शादी हुई है तो भाई जो था बहन से बड़ा हित करता था, और धीरे 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 समय गुजरता गया है, ना ही हमेशा जीवन में सुख रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। जीवन में सुख और दुख ये हर किसी के पीछे लगे रहते हैं, यानी हर प्राणी के जीवन में
हर प्राणी के जीवन में के सदा दिन ये कसे किसी के न गुजरते देखे इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। वक्त एक जैसा नहीं रहता, समय इंसान को हर मोड़ पे ले जाके खड़ा कर देता है। कहते हैं कभी सैदा कर्म की रेख न तारे तेरे और कर्म को कर्म सो कर्म करावे। कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे। कर्म भिखारी को भूप करे और कर्म ही भूप पे भीख मंगावे। कर्म बिचारियों सैदा कहे आए कर्म ही सातो कर्म करावे। क्योंकि भय राजा से भिखारी बखत की बलिहारी 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 समय की बलिहारी है। हाय राजा से भिखारी भक्तजनों देखते हैं आगे कि जब बहन की शादी हो जाती है बहन ससुराल में चली जाती है। इधर बाद में जब भाई की शादी हुई है तो भाई आनंद के साथ अपनी पत्नी के साथ में जीने लगा है। अंत में कि हर लीला अपरंपार अपरंपार नहीं पेश किसी की जाती है। भविष्य में क्या हो जाए कोई पता नहीं। चाहे पल में रईस करे अरे चाहे तो पल में रईस करे जो ही मिले सम्मान करे। पल में कर दे बनता धार धार नहीं पेश किसी की जाती है। को राजा बना दे और चाहे तो राजा से कंगाल बना दे जरा भी देर न लगे। बात ये बन गई थी वो हर की नजर निराली ए थी वो हर की नजर निराली। घर में छाई गई रजनी काली क्योंकि भैया भाव बीमार बीमार नहीं पेश किसी की जाती है। कहने का मतलब है कि बहन तो इधर ससुराल में है, शादी होने के बाद में भाई अकस्मात बीमार पड़ जाता है। दोस्तों जब भाई बीमार पड़ जाता है अरे पावत खबर भजी है बिहना ए पावत खबर भजी है बिहना। पहन लए आभूषण गहना पहुंची मैया के द्वार है द्वार नहीं पेश किसी की जाती है।
अकस्मात जो कुछ वस्त्र जो कुछ आभूषण गहने थे पहन लिए सब। अपनी सास से कहा कि माँ कुछ पैसे दे दो। माँ ने 2000 रुपए निकाले पकड़ा दिए और जवाब दिया, बेटी जाओ। अरे ऐसी कौन सी बात, जब तुम्हारा भैया बीमार है उसे दिखाओ, उसके बाद लौट आना। उसके बाद वो बहन पहुंची मैया के द्वार, हाय द्वार नहीं पेश किसी की जाती है। भाई के करीब जब बहन पहुंची है, जो कुछ माल जेवर था जो कुछ गहना था वो सब पहन करके और 2000 रुपए अपनी सास से लेकर के भैया की मदद करने के लिए पीहर में पहुंच गई है। क्योंकि बहनों की ये आदत ही होती है, कोई भी माँ सही कोई भी बहन सही, कि कामना लड़कियां करती हैं और पीहर वाले सब सुखी रहे। यानी कोई भी बहन कोई भी माँ सही, केवल उसके हृदय में यही विचार रहता है कि हमारे पिता के परिवार के लोग सब सुखी रहें। कामना लड़कियां करती हैं, पीहर वाले सब सुखी रहें, घर बार और परिवार में ना कोई कभी भी दुखी रहे। लड़कियों के ये विचार ही अलग होते हैं, कितना चाहती है अपने पीहर वालों को, कितना चाहती है अपने भाइयों को भतीजों को परिवार वालों को, लेकिन मजबूरी है। आखिर ये सब परिवार अपना होने के बाद पराया हो जाता है और बेटियां पराई हो जाती हैं। दोस्तों, मायके का कोई इंसान मिले तो वो खुशी न बरनी जाती है। बेटियों की मायके का कोई इंसान मिले वो खुशी न भरनी जाती है, और कुशल पूछे परिवार की सब तब धीरज दिल में लाते हैं। पीहर बालों के पीछे सब ससुराली से भी झगड़ती है। कहने का मतलब है बहनें अपने पिता के परिवार को मजबूरी में छोड़ तो देती हैं, लेकिन अंत में भाइयों की भतीजों की परिवार वालों की पिता ताऊ चाचा माँ चाची सबकी कितनी बड़ी चिंता रखती हैं, लेकिन ये कुदरत का नियम है जो बेटियां पराई हो जाती हैं। तो भक्तजनों, भाई की खबर मिलते ही मिलते बहन तुरंत ही घर से दौड़ी है और जाकर के अपने पीहर में पहुंची है, तो क्या देखा है वहां। पीहर में पहुंचने के बाद में
देखा कि भाई बीमार है। अरे चली बिना घबराई, चली बिना घबराई, पहुंची जहां है छोटो ब्रात गई बहना घबराई, पहुंची जहां है छोटो ब्रात। इतना धनाढ्य परिवार नहीं था, ससुराल वाले भी इतने कोई बड़े आदमी नहीं थे। अपनी औकात के अनुसार सासुर ने अपनी बहू को कुछ पैसा दे दिए और कहा कि जाओ अपने भैया की रक्षा करो, मदद करो। दिए सासुर ने उनको दाम, जो आए भैया के काम, गए सासुर ने भैया के कछु जे काम, खड़ी देखे भो जाई, खड़ी देखे भो जाई, पहुंची जहां है छोटो भात, खड़ी देखे भो जाई। यानी घर से जो कुछ ससुराल से पैसे ले गई थी बहन, अपने भैया के इलाज में सब लगा दिए। और जब उससे भी पैसे नहीं गई तो जो कुछ आभूषण, जो कुछ गहने पहने हुई थी वो सब उतार करके अपने भैया की दवाई के लिए। धन्य है बहन का प्यार। उसी समय सब परिवार वाले लोग कहते हैं भौजाई और माँ, अन्य परिवार के लोग कह रहे हैं करो तुमने भारी एहसान, करो तुमने भारी एहसान, सदा तुम सदा हम तुम्हारे काम, मात दिल में हर साई, सगे भाई के हित में बिक गौ जेवर और गहना, नाए कछु फिकिरी करी बहना, नाए कछु फिकिरी करी बहना, बिरन की होती दवाई ना होती दवाई, पहुंची अपने शरीर से बदन से जो आभूषण थे वो भी उतार करके सब बेच डाले। उसके बाद भाई ठीक हो गया, खुशी सबके दिल में छाई, उठ के बैठ गो भाई, बहन की करे बड़ाई, होए करे बड़ाई, पहुंची जहां तो छोटो भात, बहन की ऐसे ही बहन अपने भाई के साथ सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद में अपने भाई को ठीक कराने के बाद ससुराल में चली जाती है। और ससुराल के लोगों ने जब देखा है, इधर माँ भाई बहन जो भी थे परिवार वाले सब बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ससुराल में पहुंच करके पति नाराज हो गया
सास जो थी बहू की मदद करती है और अपनी बहू को बचा लेती है। पति बहुत नाराज है। अब आगे क्या होता है जरा देखिए इस राठौर कैसेट में। अरे सब कुछ दे के भ्रात को लौट गई ससुराली, आभूषण ना तन पे लखे भौपति को तब बेहाल। जब कुछ नहीं देखा है पति नाराज होता है। सास समझाती है अपने बेटा को और कहती है चलो कोई बात नहीं, भाई के पीछे सब कुछ इसने न्यौछावर कर दिया तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं। लेकिन अंत में आइए देखते हैं आखिर बेटियां क्यों पराई हैं। दोस्तों अरे होना हर बलबान बहन पे कैसी भावैया आई, जिस समय बहन ससुराल में चली जाती है किसी ने भेद दे दिया और बदमाश उनके घर में घुस जाते हैं और बहन के घर में जो भी माल जेवर था जो भी पैसा था सब कुछ निकाल के ले गए। कहने का मतलब है कि अमीरी से गरीबी आ गई। बहन के घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सोच के रह जाता हूं कि भगवान अब और सुनो सज्जन आगे कैसी विचित्र हर की माया। रोती थी बहन याद करके तो घर वालों ने समझाया, ससुराल वाले लोग बोले हैं रो नहीं, जो कुछ था घर में सब कुछ चला गया, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तुमने अपने भाई की बड़ी मदद की है और फिर भाई से बहन का कुछ नहीं बता होता है। बहन भाई का पवित्र प्यार होता है, तुम अपने भाई के पास चले जाओ थोड़ी सी दौलत ले आओ जिससे तुम्हारा गुजारा होने लगेगा। थोड़ी सी मदद मांग लीजिए ये घड़ी लौट के आएगी,
घड़ी लौट के आ जाए तो उनको फिर वापस कीजिए। जब ससुराल वाले लोगों ने यह कहा कि तुम जाओ अपने भाई के पास में और थोड़ी सी मदद मांग लो, चलो कोई बात नहीं, बहन और भाई में कुछ बता नहीं होता है, तुमने भाई के साथ इतना किया है तो तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकता है, और जब ये घड़ी तुम्हारी लौट करके आ जाए तो भाई को दे देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ ये चल के पीहर में आई है देखे मगन भाव दिला भाई है चले चले के पीहर में आई है देखे मगन भाव फिर भाई है और राजी खुशी सुनाई है फिर रोई बहन बिलखाई है जब दोस्तों जिस समय ससुराल वालों ने यह कहा कि तुम अपने भाई के पास चले जाओ तो बहन एक आस लेके अपने भाई के करीब चली है, चलेंगे अपने भाई से कहेंगे मेरी मां मेरे पिता मेरी भाभी मेरे भाई मुझे बहुत मानते हैं। जब ससुराल से पीहर में पहुंची है तो दोस्तों वो बहन की दशा निहारे आंसू डारे रोएगा भाई जो बने सो करे से बारे के बहना सुन ले आई भाई ने जब अपनी बहन को देखा है और बहन की दशा निहार करके भाई कहने लगा है रो नहीं बहन, जो कुछ सेवा होगी हम करेंगे तुम्हारी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो बिल्कुल निश्चिंत। बहन की दशा निहार के आंसू डारे रोएगा भाई रोएगा भाई और जो कछ बने है सेवा रे के करी है बहन तुम्हारी बात ये बन गई। अब भैंस भैया ने सोचा बहन ने मेरे पीछे सर्वस्व उछावर कर दिया, कछ पैसा लेके दए बहन को कुछ पैसा लेके दे बचत तब कहे लड़ी भौजाई अपने बच्चन की चिंता ना कछु आई अपने बच्चन की चिंता है कछु नाई भैया ने जैसी बहन की दशा देखी है तो जो कुछ पैसा घर में रखे थे ला करके बहन को दिए और जवाब दिया बहन तुम जाओ, अरे जो कुछ हमसे सेवा बनेगी हम सब तुम्हारी करेंगे, जिंदगी भर हम एहसान नहीं भूलेंगे क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई, हम बीमार थे उस दिन मेरे साथ तुमने सर्वस्व न्योछावर कर दिया और जो कुछ दे तो देखो भौजाई ने बीच में ही कूद पड़ी जवाब दो तुम्हें अपनी औलाद की चिंता ना है जे कहां जाए सोने भाभी के वचन को खड़ी रह गई नंद हो सौड़ गए बहन के फिर भाई बोलती बंद। जो भौजाई के वचन सुने हैं एकदम बहन जो थी वो खड़ी की खड़ी रह गई, भाभी ने हाथ पकड़ लिया अपने पति का और जवाब दिया इसे कुछ मन दो तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे, तो नंद भौजाई से सवाल करती हुई बोली भाभी एक बात मुझे बता दो।
हरि भाबज बन गई कौन सी भूल, हरि भाभी बन गई कौन सी भूल, अरे विपत्ति में ना भई सहाय तुम हमारे भाई का हाथ पकड़ रही हो, लेकिन हमें ये बताओ कि मुझसे भूल कौन सी बन गई। मैंने तुम्हारे साथ बुरा क्या किया, मैंने तुम्हारे पति की जान बचाई। तुम्हारा पति है लेकिन मेरा भाई है। सगे हम दोनों भाई बहन, सगे हम दोनों भाई बहन, भबज से लागी ननदी कहन, नीर से भर गए दोनों नैन, बादिन नाई रोको गहने। बहन बोली भौजाई से, बादिन नाई रोको गहने तय पकड़ाई है, भाबज बन गई कौन सी भूल, विपत में न भई सहाई है। बहन अपनी भौजाई से बोली है, बोधन याद करो जब मैंने भैया की जान बचाई थी। कैसे बचाई थी तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन भाभी भैया के पीछे। सुनी पति अपने की गारी, सुनी पति अपने की गारी, रूठ गए मेरे ससुरारी, याद कछु कर भाबज प्यारी, बेटा के काजे कष्ट सहे, बेटियां पराई हैं, भाभी बन गई कौन सी भूल, सिपत में न भई सहाय। भाभी के पास से हट करके बहन अपने बाप से बोली और जवाब दिया, पिताजी मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब दे दो। जगह मेरी लड़का हो तो चलो, मैं तो एक लड़की हूं। जगह मेरी लड़का हो तो क्या हिस्सा नहीं ले तो, जगह मेरी लड़का हो तो क्या हिस्सा नहीं ले तो, नहीं ऐसी निदिया बोसो तो, पिता बेटी के साथ क्या प्रीत निभाई है, ऐसी बन गई कौन सी भूल, विपत्ति में न भई सहाय है।
कहने का मतलब है दोस्तों, भाभी और भाई के पास से हट करके पिता से सवाल करती है, लेकिन पिता ने भी एक अपनी मजबूरी कह दी और जवाब दिया, माफ करना बेटी, मेरे बस से बाहर की बात है। अब बस से बाहर की बात इसलिए है बेटी, अरे कहें पिताजी तुम दोनों मोको एक समाना। बहन और भाई हमारे लिए एक ही समान है। एक कहें पिताजी तुम दोनों के हमको एक समाना, तुम जो मांगो सो दीनो रे। पिता कहने लगे, शादी में हमने कोई कमी नहीं रखी बेटी, माफ करना। तुम जो मांगो सो दीनो, अब का बच गओ अरे खजाना। महाराज पिता से हट गई धर के धीर, बैठ के मात की गोदी में आंखन में भर गओ नीर। तब यहां तो पकड़ मैया को है तब बिटिया वो, हाथ पकड़ के मैया को बिटिया यूं बोली है, बिटिया तब बोली है रे, तब ही बिटिया यूं बोली है रे, बात सब दिल की खोली है। भाई हाथ पकड़ मैया को है बिटिया तब बोली। इस समय बाप ने कह दिया, माफ करना बेटी, हमने कोई दौलत नहीं रखी, जो घर में हम अच्छे तरीका से रखे रहे हों, जो कुछ तुमने मांगा हमने शादी में दे दिया, अब इसके बाहर मेरे कब्जा से बाहर की बात है। अब तो तुम्हारा भाई भौजाई यही मालिक है, अब इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो माँ की गोद में बैठ करके बेटी ने एक सवाल कर दिया कि माँ मुझे माँ से गिला। बेटी एक शिकायत अपनी माँ से करती है और कहती है कि मुझे माफ करना माँ, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियाँ क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियाँ क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला। माँ की गोद में बैठ करके बेटी कहती है कि माँ हम और हमारा भाई एक ही डाली के खिले हुए फूल हैं, आखिर बहन और भाई में इतना अंतर क्यों? जिस घर में हम पले, जिस घर में हम खेले बड़े हुए, आज भाई घर पराया क्यों लग रहा है माँ, आखिर क्यों लग रहा है? खेली कूदी में जिसे आंगन अपना पराया सा लागे, अपना पराया सा लागे। आखिर ये सब क्यों है माँ? जिस आंगन में खेल के सियाने हुए बड़े हुए और सभी सुनने वाले लोगों से भी अनुरोध करते हैं, आखिर बेटियां क्यों पराई हैं? वो लड़की हिरास होकर के अपनी माँ से सवाल करती है, माँ खेली कूदी में जिसे आंगन में वो भी अपना पराया सा लागे, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला।
सब क्या है माँ? हम बहन और भाई एक ही कोख से जन्म लिया मैंने, लेकिन तुमने इतना अंतर क्यों कर दिया? बहन कहती है, एक को घर दिया, एक को बर दिया, ओ एक को घर दिया, एक को बर दिया, ये कैसी खुदाई है? बेटी, जिस दिन मेरी सगाई हुई थी, जिस दिन मेरे बाप ने मुझे डोली में बिठाला था, माँ वो दिन मुझे याद है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, हंस के मुझे बाबुल ने वो दिन कुछ और था, वो दिन कुछ और था माँ, लेकिन आज दिन कुछ और है। आखिर इतना अंतर क्यों? अंतर क्यों? जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, हंस के मुझे बाबुल ने दिया, हंस के मुझे बाबुल ने प्यार इतना किया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुख से, जिस घर में पली उस घर से ही बेटी के साथ केवल एक काम कर दिया तुमने। लड़की सवाल कर रही है माँ से, अच्छा घर सुंदर पर देखा मानी, छड़ में कर दिया उसके हवाले, छड़ में कर दिया उसके हवाले, अच्छा घर सुंदर पर देखा मानी, छड़ में कर मजबूर होके बेटी चल पड़ी अपनी ससुराल के लिए। जब कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया तो कहने लगी अपनी माँ से लास्ट शब्द में, तो क्षमा करें श्रोता बंधुओं से भी हमारा ये सवाल, हमारा ये प्रश्न है, आखिर बेटियां क्यों पढ़ाई हैं? कहती है वो लड़की अंत में, अब तो जाना पड़ेगा मुझे को, बिछोड़ा सहना
वचन सुनने के बाद में एकदम माँ के दिमाग में भी बात आई, आखिर मैं भी तो पराई हूं, मैं भी किसी की बेटी थी, आज यहां ससुराल में बहू बनी बैठी हूं। अब भौजाई के भी दिमाग में ठेस पहुंची, आखिर मैं भी पराई हूं। एकदम से तुरंत ही, अरे भौजाई ने ननदी को आई गोदी में बैठा रो, मेरो कर दे माफ कसूर रे, अरे कर दे माफ कसूर रे के भारी दोसा मारो, हर वाले बने मोए फूल से सूल, सोई जो कछु घर में दौलत आए बहना को दे दिली, सोई जो कछु घर में दौलत आए बहना को दे दिली, समय बहन जो थी बहन की बात सुनकर के एकदम भौजाई के दिमाग में बात टकरा गई, आखिर मैं भी पराई हूं। मां के दिमाग में आया आखिर मैं भी पराई हूं, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन माफ करना बेटी माफ करना, जो कुछ मिले आप ले जाओ। जब बेटी जो कुछ मिलता है उसे लेकर ससुराल में आती है तो वो ही दिमाग में बात गूंजती रही, तो अपनी सास से भी सवाल करती है, आखिर बेटियां क्यों पराई हैं माँ, क्यों पराई हैं? तो सास कहने लगी, बेटी अब इसका भी उत्तर मेरे पास नहीं है। तो ये मंदिर में पहुंचे हैं और माँ दुर्गा के द्वार पे पहुंचने के बाद सवाल करने लगी है सास और बहू दोनों के, मुझे माँ से गिला, जो जगत जननी है उस जगत जननी से हमें एक शिकायत है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई गिला। हे जगत जननी, हे माँ अंबिका, तू ही हमारे सवाल का जवाब दे दे, और जितने सुनने वाले लोग हैं उनसे भी हम सवाल करते हैं, आखिर बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं? साथ ही साथ आज के युग की भी थोड़ी हम बात कहेंगे। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में लोग देख लेते हैं तो बेटियों को, हम केवल ये सवाल कर रहे हैं आखिर बेटियां क्यों पराई हैं, इसका कोई उत्तर नहीं है, तो अगर समाज वाले से उत्तर मिल जाए तो मुझे जरूर देना, मुझे माँ से गिला मिला यही।